इसी मुनासमत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। अयासर, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब जिस तरह मुतासरा इलाकों की हम बात कर रहे हैं और जब से मीडिया जागा है, ख़ासतौर पर जब हमने सैलाब की बात शुरू की है, तो हम भी अपने प्रोग्राम में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर बात कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो इलाके हैं, इमदाद पहुँच भी गई है, कुछ इलाके हैं जहाँ अभी तक नहीं पहुँची है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी ज़ाहिर है उसको अभी बहाल करने में बहुत वक्त लगेगा। आपके ख्याल में ये उनकी मुश्किलात कब ख़त्म होंगी और किस तरह से गवर्नमेंट को कौन सी हिकमत अमली अख्तियार करनी होगी, जिस तरह से उनकी अपीलें सामने आ रही हैं, पानी खड़ा है वो निकाले, ये क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी कि उनकी मुश्किलात ख़त्म हो? दुआ, चूँकि तबाही बहुत बड़ी है और ये सिर्फ इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। दौरे भी हो रहे हैं, बाकी भी मामलात चल रहे हैं। इसके कई पहलू हैं इस तबाही के। कुछ लोग तो ज़ाहिर है वो बेचारे बहुत गुरबत से पहले ही गुरबत की लकीर से नीचे हैं। कुछ लोग जो खासे खुशहाल थे वो भी बिल्कुल बर्बाद हो गए। देखिए ना, उन इलाकों में लोगों के लिए दो ही चीज़ें हैं ना जो उनकी दौलत है, एक उनकी फसल और दूसरा उनके मवेशी। अब जब दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई तो आप देखें कि कैसे कैसे लोग जो कि लोगों की मदद करते होंगे वो ख़ुद बेचारे इस वक्त कैंपों में बैठे होंगे और लोगों की मदद का इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी आबादकारी और वो तो बहुत बाद के मरहले हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि सब तक अभी तक नहीं पहुंच सकी इमदाद। स्पेशली अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का रबता आपको पता है कटा हुआ है और जहाँ तक रसाई हो सकती है वहाँ तक चीज़ें जा रही हैं। काम बहुत हो रहा है, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा तो जो अप्रोच होती है और जो है इस वक्त वो पाक फ़ौज की है, जो हर जगह ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। फिर हमारी तंजीमें हैं, जो NGOs हैं, अलखिदमत है और बाकी हैं। अलखिदमत चूँकि सबसे पहले अलखिदमत ने शुरू किया था, इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है और आप देखें इंटरनेशनल मीडिया में भी अब अलखिदमत की जो इस सैलाब के दौरान मुतासरीन के हवाले से जो उनकी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत हाईलाइट हो रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही, गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब का सुनवाया कि 28 अरब से बढ़ा के 70 अरब कर दिया उन्होंने वो पैकेज, अभी कई अरब और चाहिए होंगे, खरबों चाहिए होंगे ज़ाहिर है इसकी इसके लिए मुतासरीन के लिए। लेकिन चलें, ये नहीं कह सकते हम कि जी एफर्ट नहीं हो रही, एफर्ट हमें हर उस पर सतह पर नज़र आ रही है। अभी पानी उतरना ज़ाहिर है उनके लिए सबसे बड़ा मसला ही है कि वो पानी किसी तरीके से वहाँ से उतरे और उसके बाद ज़मीनें और फिर वो कहीं पे जाके उनकी जो खैमा बस्तियाँ बनी हुई हैं इस वक्त, फिर कब उनके घर बनेंगे और वो तखमीना लगाने में भी अभी बड़ा टाइम लगेगा ज़ाहिर है एग्जैक्ट, क्योंकि ये शिकायत बहुत आ रही है कि जिन लोगों तक इमदाद पहुंच रही है उन तक बार बार पहुंच जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां तक रसाई नहीं है और जा नहीं सकते, बहुत अंदरूनी कहीं जाके घिरे हुए हैं जो लोग सैलाब में, उन तक इमदाद भी नहीं पहुँच रही। तो लेकिन स्टिल कोशिशें चूँकि जारी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस पे काबू तो जल्द पा लिया जाएगा और उनको उन तक इमदाद एटलीस्ट पहुंच जाएगी। उसके बाद आबादकारी का मरहला बहुत मुश्किल होगा, उसके लिए एफर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने पड़ेंगी और मेरा ख्याल है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी तो ज़्यादा बेहतर होगी। जितनी NGOs और हुकूमती इदारे काम कर रहे हैं वो जितना ज़्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे वो जल्दी इस बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।